स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। पितृ दोष निवारण आसान उपाय शीर्षक एक वीडियो हमने चैनल पर डाला था, जहाँ हमें बहुत से कमेंट्स आए कि सारे स्टेप्स को प्रैक्टिकली करके दिखाया जाए। तो इसी वीडियो में हम लेके आए हैं पितृ दोष निवारण के सबसे आसान सरल उपाय, जो आप खुद अपने आप ही घर में कर सकते हैं। आज के समय में समय और जगह की कमी होती है, तो इस वीडियो में हम वही उपाय दिखाएंगे जो सभी लोग कर सकते हैं, चाहे आप किसी बड़े से घर या बाउंड्री में रहते हो या फिर फ्लैट में। कहते हैं सिर्फ पुरुष ही पितृ दोष निवारण के उपाय तर्पण आदि कर सकते हैं, लेकिन जिनके घर में कोई भी पुरुष नहीं है वो क्या करे? क्या महिलाएं अपने पितृ को मना नहीं सकते, संतुष्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आज के समय में तो महिलाएं भी मृतक को मुखाग्नि देती है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं पितृ दोष के लक्षण। हमारे पितृ यानी हमारे पूर्वज जो अब इस संसार से दूसरी दुनिया के वासी हो गए हैं, लेकिन कहा जाता है हमारे पितृ सदैव हम पे नज़र बनाए रहते हैं। हमारे कर्म के अनुसार वे खुश होकर हमें आशीर्वाद भी देते हैं, उसी ओर हमें हमारे बुरे कर्मों की सजा भी देते हैं। जीवन में हर तरह से सफलता पाने के लिए हमारे पितरों की आशीर्वाद हम पे बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमारे पितरों को सम्मान के साथ मनाए रखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं या हमारे घर परिवार में पितृ दोष लग जाता है, तो कुछ लक्षण दिखाई देता है, जैसे हमेशा घर में कोई ना कोई बीमार होना, कुछ ना कुछ अनहोनी लगातार होते रहना, शुभ कार्य में हमेशा रुकावट, लाख मेहनत कर लो पर बरकत ना होना, परिवार में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा होना, हर तरफ मायूस करने वाली खबर, शादी में रुकावट इत्यादि। और एक लक्षण है कि घर में यहाँ वहाँ दीवारों में, फ्लोर में दरार पड़ना या फिर पीपल का वृक्ष घर के कंपाउंड में उगना, या दीवार में जहाँ दरार हो उस दरार में पीपल का उगना। अगर ये लक्षण दिखाई देता है तो समझ लीजिए हमारे पितृ हमसे नाराज है और हमें पितृ दोष लग गया है। यूं तो पितृ दोष निवारण के जो हवन पूजन होता है वो हम ब्राह्मण के मदद से उपाय करते हैं, लेकिन ये कुछ खास उपाय आप अपने आप ही प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन करना मुमकिन होता नहीं है, इसलिए ये उपाय आप प्रत्येक अमावस्या पर जरूर कीजिए। प्रत्येक अमावस्या पर हमें अपने पितरों के नाम हवन तथा भोग अर्पण जरूर करना चाहिए। पितरों को खुश करने के लिए और पितृ दोष निवारण के कुछ खास मंत्र, विधि और सामग्री है, जो मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो में दिखाती जाऊंगी, इसीलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। यूं तो हवन के लिए आजकल हवन कुंड मार्केट में इजीली मिलता है, लेकिन एक मिट्टी का हवन कुंड अगर आप अपने हाथों से प्रेम से बना के उसमें पितरों के नाम के हवन करें, तो इससे पितृ जल्दी खुश होते हैं, क्योंकि वो हवन कुंड जहाँ हम पितरों के नाम की आहुति देंगे, उस हवन कुंड में हमारे हाथों का स्पर्श रहेगा, और मिट्टी का हवन कुंड सबसे बेस्ट रहता है। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनिया भी तो अपने हाथों से ही मिट्टी के हवन कुंड बनाते थे और उसमें हवन करके देवी देवताओं को प्रसन्न करते थे। वैसे ये आपकी मर्जी, आप रेडीमेड हवन कुंड ले या आप अपने हाथों से बनाएं। अपने हाथों से मिट्टी का हवन कुंड बनाने में कोई खर्चा भी नहीं है। एक थाली में मिट्टी डाल के जैसा हमने वीडियो में बना के दिखाया है, उसी तरह आसानी से मिट्टी का हवन कुंड बनाया जा सकता है। थाली में हमने इसीलिए हवन कुंड बनाया ताकि हवन कुंड को आसानी से यहाँ वहाँ ले जा सके, क्योंकि हमारी तरह जो कोई भी छोटी सी जगह में रहते हैं, हवन के लिए स्थान नहीं है, वे आसानी से इस हवन कुंड को बेलकोनी, बरांडा या छत में ले जाके हवन कर सकते हैं, क्योंकि पितरों के नाम का हवन घर के अंदर नहीं किया जाता। हवन के बाद आप वापस से अगले अमावस्या में इसी कुंड का यूज कर सकते हैं। बस हवन कुंड जब
पूरी तरह से शांत हो जाए तब बची गई राख को एक मिट्टी की पॉट में या सफेद कपड़े में पोटली बना के नदी तालाब में प्रवाहित कर दे, और अगर पास में नदी तालाब नहीं है तो घर के बाउंड्री के बाहर किसी वृक्ष के नीचे जमीन में गाड़ दे। लेकिन ध्यान रखे कि ये काम करते वक्त आप पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। अगर आप अपने हाथों से मिट्टी का हवन कुंड बना रहे हो तो बनाते वक्त मिट्टी में थोड़ा सा गंगा जल भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, पितरों के नाम का हवन सिर्फ दोपहर को ही किया जाता है। हवन करते समय या भोग लगाते समय सफेद कपड़ा पहनना अनिवार्य है। पितरों के नाम का हवन करते समय आपका मुंह हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना जरूरी है। पितरों के नाम का भोग और दिया भी दक्षिण दिशा की ओर ही दिया जाता है। पितरों के नाम का हवन घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं किया जाता, लेकिन अगर आपके पास घर के बाहर करने की जगह नहीं है तो आप अपने घर के छत में, बेलकोनी में या बरामदे में ये हवन कर सकते हैं। हवन करने के लिए आम की पेड़ की लकड़ी या गोबर की उपले का यूज करें। आहुति देते समय किन मंत्रों का उच्चारण करना है, कितनी बार करना है, तर्पण देते समय किन मंत्रों का जाप करना है तथा हमें कौन सी हवन सामग्री की जरूरत पड़ेगी, ये सभी वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। यहाँ पे एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि पितरों के नाम का हवन हो या पूजन हो, अगर आप इस पूजन में किसी धातु की चीज यानी बर्तन का यूज कर रहे हो तो उस बर्तन को वापस से धो के मांज के इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लेकिन अगर आप मिट्टी का बर्तन, लोटा, दिया आदि का यूज कर रहे हो तो उन्हें यानी उन बर्तनों को, उन सभी सामग्रियों को घर के अंदर ना लाए, बाहर बाहर से ही अपने घर के बाहर यानी कंपाउंड के बाहर किसी वृक्ष के नीचे जो जमीन है वहीं पे गाड़ दीजिए, या फिर अगर आपके घर के पास कोई पानी का स्रोत है तो उस स्रोत में जल प्रवाहित कर दीजिए। हवन सामग्री के लिए हमें चाहिए सिर्फ साबुदाना, घी और चीनी, चाहे तो इसमें आप कपूर भी मिला सकते हैं। इन सभी सामग्रियों को एक कटोरे में डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सामग्री उतना ही ले जितना आपको जरूरत है आहुति के लिए। वैसे तो आहुति 108 बार दी जाती है, लेकिन समय की अगर कमी हो तो 51 बार भी आहुति दी जा सकती है। पितरों को खुश करने के लिए पितृ तर्पण भी किया जाता है। यूं तो नदी तालाब में ये क्रिया करते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास नदी तालाब ना हो तो एक कटोरे में पानी ले लीजिए, फिर अपने राइट हैंड में कुशा घास को अपने थंब फिंगर और इंडेक्स फिंगर से दबा के रखिए, और हाथ में पानी, चावल, तिल फूल यानी सफेद फूल और हो सके तो कच्चा दूध लेके ओम पितृ देवताए नमः का जाप एक बार करें और जल को कटोरी भरती पानी में छोड़ दे। ऐसे 5, 7 या 11 बार करें और लास्ट में कुशा घास को पानी में छोड़ दे और उस पानी को घर के कंपाउंड के बाहर किसी वृक्ष के नीचे डाल दे। ये क्रिया करते समय अगर आपके पास कुशा घास नहीं है तो बिना कुशा घास के भी आप पितृ तर्पण कर सकते हो सेम विधि से। अगर आप पितृ तर्पण और हवन सेम डे कर रहे हो तो पितृ तर्पण को हवन से पहले करना जरूरी होता है। पितृ तर्पण के बाद आती है भोग लगाने की बारी। हमारे पितृ देवताओं को भोग देना बहुत ही जरूरी होता है तथा शुभ भी होता है, लेकिन पितरों के भोग में हमेशा सफेद चीजें ही चढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ असम में पितरों को भोग ऐसे भी चढ़ाया जाता है। हमने यहाँ लिया है केला, तिल, चीनी, साबुदाना और चावल। चावल का आटा भी दिया जाता है, लेकिन ना हो तो कुछ चावल के दाने भी चढ़ाया जाता है। भोग के लिए कुछ ना हो तो सिर्फ चीनी भी दे सकते हैं। एक केले के या पान के पत्ते में भोग रख के पितरों को प्रणाम करें और प्रेम से भोग ग्रहण करने को निवेदन करें। हम इसी प्रकार से हमारे पितरों को रोज भोग चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर रोज भोग चढ़ाना संभव नहीं होता है समय के कारण तो अमावस्या के दिन अवश्य रूप से आप अपने पितरों को भोग जरूर चढ़ाए। हमारे यहाँ भोग को 3 हिस्सों में पितरों को अर्पण किया जाता है। आप अपने कल्चर के अनुसार पितरों को भोग अर्पण कर सकते हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं पितरों के नाम का दिया कैसे जलाएं। एक मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल भर लीजिए, उसमें सफ़ेद बाती रखें और दिए में दो लौंग या दो काली मिर्च अवश्य रूप से रखिए। यहाँ हमने केले के पत्ते के ऊपर दिया जलाया है, आप चाहे तो पान के पत्ते भी ले सकते हैं। कुछ भी पत्ता ना मिले तो मिट्टी की थाली या प्लेट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पितृ तर्पण करने से पहले ही दिया और धूप जला लीजिए और तर्पण तथा भोग में जो भी चढ़ाएंगे सभी को केले के पत्ते या फिर पान के पत्ते के ऊपर रख दीजिए। तर्पण के बाद पितरों के लिए भोग लगाए, फिर आती है हवन की बारी। ये हवन स्पेशली साबूदाने की हवन है, इसलिए हमने एक कटोरी में चीनी, साबूदाना, घी और कपूर मिक्स कर लिया है। आप चाहे तो कपूर को स्किप भी कर सकते हो। कहा जाता है कि साबूदाने की इस हवन से लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है, यानी कि लक्ष्मी जी की पूजन में या फिर हवन में और माँ दुर्गा की भी हवन में साबूदाने की हवन करना अति शुभ माना जाता है। पितरों के नाम का ये हवन अगर आप रोज करना चाहते हो तो आप इन सारी सामग्रियों को एक डब्बे में अच्छे से मिक्स करके भी भर के रख सकते हो। अब आती है हवन करने की बारी। तो हवन करने से पहले गंगा जल 3 बार हवन कुंड में छिड़क दीजिए। अगर गंगा जल आपके पास ना हो तो प्लेन साफ शुद्ध जल भी आप यूज कर सकते हो। फिर गणेश जी का स्मरण करते रहिए और हवन कुंड में गोबर के उपले या फिर आम की लकड़ी डालते जाइए। हवन कुंड में अच्छे तरीके से अग्नि को प्रज्वलित करें और हवन कुंड में आहुति तभी दे जब अग्नि अच्छी तरह से प्रज्वलित हो जाए। जब अग्नि अच्छी तरह से प्रज्वलित हो जाए तब सबसे पहले गणेश जी के नाम से घी की आहुति 1 बार दे। गणेश जी को आहुति देते समय बोलिए ओम गणेशाय नमः स्वाहा और इस तरीके से आप घी की आहुति 1 बार गणेश जी को दे सकते हैं। फिर आती है अग्निदेव की बारी। अग्निदेव को 3 बार घी की आहुति दे। आहुति देते समय बोलिए ओम अग्नि देवताय नमः स्वाहा। ऐसे 3 बार आहुति देने के बाद आती है पितरों के नाम की आहुति देने की बारी। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब भी हम देवी देवताओं को आहुति देते हैं तब स्वाहा बोलते हैं, लेकिन जब पितरों को आहुति देते हैं तब स्वाधा बोलते हैं, क्योंकि मान्यता है कि अग्नि देव की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है स्वाहा, जो देवी देवताओं तक हमारी दी गई आहुतियों को पहुंचाती है, और स्वधा हमारे पितरों तक हमारी दी गई आहुति पहुंचाती है। अब हम पितरों के नाम की आहुति देंगे और पितरों के नाम की आहुति देने का मंत्र है ओम ह्रीं सर्व पित्रेश्वरी ह्रीं स्वाधा। ओम ह्रीं सर्व पित्रेश्वरी ह्रीं स्वाधा। ऐसे आप 11 बार 21 बार 51 बार या फिर 108 बार आहुति दे। आहुति देने के बाद हवन समाप्त होने के बाद जो भोग हमने बनाया था उस भोग को तथा सभी सामग्रियों को एकत्रित करके घर के बाहर यानी कंपाउंड के बाहर किसी वृक्ष के नीचे रख के आइए और आते समय वापस मुड़ के ना देखिए। मान्यता है कि जब भी हम प्रेम से भक्ति भाव से हमारे पितरों को भोग अर्पण करते हैं तो हमारे पितृ किसी ना किसी रूप में आके उस भोग को ग्रहण करते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में पितृ दोष निवारण के आसान से आसान उपाय हम लेके आने वाले हैं। आपने वीडियो अंत तक देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।